उत्तर प्रदेश पंचायत सहायक भर्ती 24 अगस्त से तैयार होंगी मेरिट सूची। तो आज हम बात करने वाले हैं मेरिट सूची की दोस्तों। तो आखिर इस मेरिट सूची में किसका होगा सिलेक्शन, किस प्रकार से मेरिट्स बनने वाला है, इसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ें। पूरी बात करते हैं यहाँ पर पंचायत सहायक भर्ती को लेकर जो तरह तरह की अपडेट आती है। तो ऑलरेडी आपका जो आवेदन करने का डेट्स है दोस्तों वो समाप्त हो चुका है, अब आपकी मेरिट लिस्ट और सिलेक्शन की प्रोसेस चल रही है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं शहरी सीमा में लगे हुए जो काकोरी ब्लॉक में पंचायत सहायक की सबसे अधिक महामारी है, वहाँ पर पद के लिए मुकाबले हो रहे हैं और उम्मीदवार जो हैं करीब 47 पंचायत वाले ऐसे हैं जिसमें ब्लॉक के 550 युवाओं ने आवेदन किया है, जबकि सबसे कम उम्मीदवार मोहनलालगंज ब्लॉक में दिख रहे हैं। ब्लॉक की 78 पंचायतें ऐसी हैं जहां पर 528 आवेदन हैं, यानी कि औसतन एक पद पर 7 उम्मीदवार हैं। तो आप समझ सकते हैं एक पद के लिए 7 उम्मीदवार हैं, तो मुकाबला टक्कर का होने वाला है। कहने का मतलब मेरिट की बात तो बिल्कुल यहां पर आएगी, तो सिलेक्शन होना इतना आसान नहीं है, ठीक है। 7 लोगों को पीछे करना होगा मेरिट्स में, उसके बाद ही आपकी सिलेक्शन हो पाएंगी। तो ये सब कुछ आंकड़े हैं जो आपके पंचायत भवनों में कितने पद हैं और कहां पर कितने औसतन फार्म पड़े हैं एक पोस्ट के लिए, तो ये सब सारी डिटेल्स हैं। इसके बाद यहां पर हम जो बात कर रहे हैं आपसे कि आपकी मेरिट लिस्ट कब तैयार होगी दोस्तों, तो ये देखिए 24 अगस्त को आपको तैयार हो जाएगी, ठीक है। हर ब्लॉक पे चाहे किसी भी ब्लॉक का हो, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। DPRO ब्लॉक पर आए आवेदन पत्रों में 23 अगस्त से संबंधित ग्राम पंचायतों में भेजा जाएगा और DPRO जो बताते हैं कि 24 से 31 अगस्त के बीच दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 24 से 31 अगस्त के बीच आवेदन पत्रों की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के नंबरों के आधार पर श्रेष्ठता सूची बनेगी और ग्राम पंचायत में प्रशासनिक समिति के आधार पर प्रस्तुत की जाएगी, फिर इस DPR के पास भेजा जाएगा और जिला स्तरीय जो समिति है जिसमें DM यानी कि जिला अधिकारी जी जो है फाइनल करेंगे और उसकी संतुष्टि लेंगे, फिर 8 से 10 सितंबर को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे देंगे। तो कहने का मतलब आपकी नियुक्ति पत्र कब मिलने वाली है दोस्तों, 8 से 10 सितंबर को मिलने वाली है, यानी कि आपका अगस्त तो समाप्त ही होने वाला है। कहने का मतलब आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन में दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। वीडियो की इन्फॉर्मेशन भाई अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे पंचायत हैं जिसके डिटेल्स कुछ दिए गए हैं कि कहाँ पर कितने फार्म पड़े हैं, ये सब सारी डिटेल्स थी। तो मुख्य रूप से आपको जो इन्फॉर्मेशन बताने का मतलब था दोस्तों कि आपकी मेरिट लिस्ट कब से बनेगी और ज्वाइनिंग आपकी कब हो जाएगी, तो 24 अगस्त की आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी और 8 से 10 सितंबर को आपको ज्वाइनिंग मतलब दे दिया जाएगा ज्वाइनिंग लेटर। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी कुछ डाउट्स है तो वीडियो पर कमेंट करके कमेंट में पूछ लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर एवरीवन, आप लोग जिस तरह से इस चैनल को सपोर्ट और अपना स्नेह दे रहे हैं, सभी को दिल से थैंक यू बोलता हूँ। तो दीजिए अपने दोस्त भीमा चित्रा को इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।